press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कोरोना काल में जहां लोगों के रोजगार व व्यापार पर काफ़ी फर्क पड़े थे, वहीं इस समय हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में। दिवाली का महापर्व आने वाला है और देखेंगे इस मार्केट में रौनक दिखती हुई नज़र आ रही है। जहां तमाम त्योहारें फीकी दिख रहे थे, वहीं इस समय दिवाली के पर्व में पूरी मार्केट में खचाखच लोग भरे पड़े हैं। लोगों के लिए ये उम्मीद दिखती हुई नज़र आ रही है कि इस दिवाली में काफ़ी फ़र्क पड़े। साथ ही हम कुछ दुकानदारों से भी बात करते हैं कि तमाम त्योहारों के बाद इस बार इस दिवाली में उन लोगों के व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है। फर्क कैसे चल रहा है आप लोगों को? फर्क तो बहुत पड़ा, पहले ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों। इस दिवाली में किस तरह लोग बाग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं? आ रहे हैं, बस अपने जो जरूरत की चीज़ें वही खरीद रहे हैं। मतलब पहले ऐसा कोई ऐसा हिसाब नहीं है, जो मतलब खुल के खरीदारी करते थे ऐसा कोई मैटर। पहले तमाम त्यौहार थे, उस त्यौहार में कितना फर्क पड़ रहा है? फर्क है भाई, बहुत फर्क है। सही चल रही दुकान? किस तरह से इस बार मार्केट चल रही है आपकी दिवाली का? बढ़िया चल रही है, अच्छा भीड़ भाड़ के त्यौहारों के हिसाब से इस त्यौहार में कितना फर्क है? बहुत फर्क है सर। सही मार्केट चल रही है? हाँ। कैसा काम चल रहा है दिवाली? काम बड़ा मद्दा चल रहा है कोरोना की वजह से। और पहले के त्यौहारों के हिसाब से इस त्यौहार में कुछ फर्क है? है थोड़ा सा, पटरी पे आ रहा है रोजगार। हाँ, हल्का हल्का। कैसा चल रहा है मार्केट? मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। कल संडे था, शनिवार था, इतनी भीड़ थी, ना कोई कोरोना का है किसी का डर, ना किसी का परेशानी है, लेकिन इतनी भीड़, इतनी पब्लिक मार्केट में, लोग लेने के लिए आए हुए हैं और ले जा रहे हैं। खरीदारी भी अच्छी हो रही है, लोग ले भी जा रहे हैं, खुश भी हैं, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये बहुत फर्क पड़ रहा था कि क्योंकि अभी 15 दिन के अंदर बहुत भीड़ भड़ाका हो रहा है, पहले बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और पहले से मामले में अब कुछ ठीक हुआ है, काम काज भी सही हो रहा है, सेल भी सही हो रहा है। पहले बिल्कुल बैठे हुए थे, कुछ नहीं होता, दिखाई भी नहीं देता है, इक्का दुक्का कस्टमर भी आ रहे थे। अब कुछ काम सही हो रहा है। पहले कितनी परेशानी होती थी आप लोगों को? बहुत परेशानी होती थी, पहले रूम के अंदर रहते थे, बिना मास्क घूमते नहीं थे, रूम के अंदर रहते थे। अब तो बहुत आराम मिला है। आजकल सब्जियां बहुत महंगी हो गई है। काम कैसे चल रहा है आपका? काम तो थोड़ा बहुत सही चल रहा है, पहले से सही चल रहा है, पहले बिल्कुल नहीं होता था, अब बिल्कुल सही चल रहा है। हमने तमाम दुकानदारों से बात की, उन्होंने हमें बताया कि दिवाली के अवसर पर उन लोगों की मार्केटों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जहां उनको लॉकडाउन व अनलॉक के पीरियड में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, काफ़ी दिन तक बंद पड़ी थी दुकानें, उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, वहीं अब दिवाली के अवसर पर पूरी मार्केट में देखेंगे एक बार और रौनक आई पड़ी है और दुकान पर भी उनके काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जिससे कि दुकानदार काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मैं विकास तिवारी, दिल्ली 10 तक दिल्ली।